भाई लोग आज मचाई हो गई, तमाशा होगा, सब कुछ होगा चेंबर के बीच। तो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का एलिमिनेशन चेंबर के वीडियो में। और आपको पता है जब हम एलिमिनेशन चेंबर खेलते हैं, लफड़ा ऑन नेक्स्ट लेवल इसे कहा जाता है। अगर मैं आपको एलिमिनेशन चेंबर का दूसरा नाम दूँ, चलो गाइस लफड़ा इन सेकेंड लेवल को हम कंटिन्यू किया जाए। मैं लूँगा जॉन सीना, रोमन आ जा, तू भी क्या याद रखेगा, तू भी आ जा, ब्रॉक लेसनर। गाइस जॉन सीना के सारे बड़े बड़े अपोनेंट, बटिस्टा भी लिया जाएगा। बटिस्टा बहुत दिन हो गया, मैंने बटिस्टा को देखा ही नहीं है, इसके बाद सेट नहीं। गाइस को बताओ जॉन सीना के सबसे बड़े अपोनेंट कौन कौन थे। अपन थियरी को ले सकते क्योंकि रिसेंट अपोनेंट है। आपको पता है रेसलमेनिया में मैच हुआ था। ये वाला लेते हैं, और अभी सोलो सिकवा को लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मैच है क्राउन ज्वेल पे, तो सोलो को भी ले लिया जाए। इधर क्या सोलो, तू भी आ जा, तू भी क्या याद रखेगा मेरे को। चलो तीन फिनिशर दे दिया जाए, इसको 30 सेकेंड कर दिया जाए, तीन फिनिशर, और मैच को किया जाए शुरू। सो गाइस मैं आपको पहले बता दूँ, ये एलिमिनेशन चेम्बर में मैं नंबर वन में आ रहा हूँ, जैसे कि आपने देख लिया है। और नंबर वन में आके मैं तबाही मचाऊंगा, जो भी नंबर टू में आएगा उसको मैं नंबर तीन के आने से पहले उसको मैं कोशिश करूँगा कि तू निकल। क्योंकि पता है आपको 30 सेकेंड का टाइमर है, यानी कि मेरा प्लान है कि नंबर तीन के आने से पहले नंबर दो को घर भेज दूँ मैं। और तू ही तो चाहिए था भाई, तू ही तो चाहिए था मुझे। अरे सीना ऐसे हरकतें मत करो, बेइज्जती हो जाएगी। ऑस्टिन थियरी की दाढ़ी भी उग चुकी है गेम के अंदर। ब्रॉक लेसनर और बटिस्टा दोनों बहुत ही खतरनाक सुपरस्टार है। और पीछे से कूदा सोलो सिकोवा का, एक अच्छा अटैक चाहिए मेरे को अभी इससे, क्या बोलते हैं, कम्युनिटी क्रिएशन से। बहुत ही बढ़िया तरीके से किकआउट किया मैंने, और गेम स्लो मोशन में चालू है, पता नहीं क्यों। मेरा प्लान था भाई 30 सेकेंड में इसको करूंगा एलिमिनेट। अब तक तो भाई मैं एक मूव भी नहीं मार पाया इसको। एक ए बनता है ना इसको, अरे माँ कसम ए रिवर्स किया। अब ये दोनों साथ मिलके मारेंगे मेरे को, और क्या। ए टर्न डाउन कुछ ज्यादा ही जोश में नहीं आया। रेसलमेनिया का ये अटायर है तो कुछ ज्यादा ही जोश में खेल रहा है ये बंदा। सोलो साथ में खेलेगा, हाँ बहुत बढ़िया सोलो। अरे सोलो धोखा गद्दारी कर दो, बच गया मैं। ये ले क्लोज ले, अरे गेम इतना स्लो मत चल यार, पता नहीं एलिमिनेशन चेम्बर में इसको कभी कभी क्या होता है। और थियरी फिनिशर के लिए जा रहा है, फिनिशर ही है ना ये, हाँ बड़ा विचित्र फिनिशर है। मुझे लगा था एट ऑन डाउन देगा। रोमन का स्वागत आप पर कुछ, अरे यार मेरे को चेंबर तोड़ना है, बहुत दिन हो गया चेंबर वेम्बर को तोड़ा है नहीं। हाँ इस बार ए टाउन डाउन दिया, रोमन सेट हो जा, रोमन सेट ही नहीं हो रहा भाई, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे सेट करना। द एनिमल बटिस्टा, ये ले। गेम एकदम स्लो मोशन में चल रहा है गाइस। ड्रीम मैच ब्रॉक लेसनर वर्सेस बटिस्टा भी हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है, और रोमन रिंग्स वर्सेस बटिस्टा भी देखने मिल सकता है। पर वो ड्रीम मैच कभी नहीं रहेगा, बटिस्टा ब्रॉक लेसनर का बहुत लोग का ड्रीम मैच था, मेरा भी था। ओ भाई रोमन कुछ खतरनाक करने का सोच रहा है। लास्ट में ब्रॉक लेसनर निकले, सोचो कितना खतरनाक आदमी निकले। थियरी नंबर टू पे निकला, थियरी का हेल्थ देखो एक बार, सोलो का हेल्थ देखो, सोलो ने रोमन को स्पाइक मार दिया। F5 नहीं, ओ भाई कमोरा लॉक के लिए जा रहा था ब्रॉक। सर कमोरा लॉक मत देना यार, आप इन्हें हाथ थोड़ा सा मेरा एक्सट्रीम रूल्स 2012 में। गाइस रोमन और सोलो का कुछ अलग ही लफड़ा चालू है। रेफरी यहाँ पे देख, रेफरी अरे लड़की यहाँ पे देख, 1 2। ब्रॉक अभी अभी आए गाइस, रोमन और सोलो दोनों एलिमिनेट हो सकते हैं। और रोमन को एक और स्पाइक, रोमन ने रिवर्स किया। दोनों समोवन बंदे आपस में लड़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया इनका,
परिवार में कुछ हो गया, पता नहीं क्या। आज आ रॉक लेसनर हम लोग का बहुत ही पुराना हिस्ट्री है, बहुत ही पुराना रूथलेस अग्रेशन से हम लोग एक दूसरे का बोलते हैं ना, बहुत ही बड़े दुश्मन है। बटिस्टा का भी पिनफॉल हो रहा है, पर बटिस्टा काउंट तो बहुत ही आराम से कर लेंगे। पावर बॉम्ब सोलो सीखा हुआ गाइस, रोमन पर भारी पड़ रहा है। बटिस्टा फंसा के पिनफॉल, सोलो का स्टंट मीटर पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट। अरे यार ये चेंबर तोड़ना था मेरे को। हाँ फाइनली ब्रॉक हटना मत, ब्रॉक हटियो मत, स्लो मोशन में जा रहा हूँ मैं, ब्रॉक नहीं हटे। और वहाँ पे रोमन भी स्पीयर मारने जा रहे हैं, बटिस्टा बीच में से हट जा। अरे बटिस्टा बीच में आ गया यार, कहीं से अगर बटिस्टा बीच में नहीं आता तो शायद सोलो सिकोवा का टाटा हो जाता, क्योंकि सोलो का हेल्थ बहुत ही कम है। थियोरी सोलो को बाहर फेंक रहे, ब्रॉक के ऊपर चेंबर तोड़ गया ना गाइस, अलग ही सुकून मिल गया मेरे को। अभी मैं मैच जीतू या हारू मुझे फर्क नहीं पड़ता, चेंबर तोड़ दिया ना बस, बहुत दिन हो गया था चेंबर नहीं तोड़ा हमने। पिनफॉल करके देखते, क्या पता ब्रॉक अपना रेजिलियंसी यूज कर दे। रेफरी पीछे देख, 1 2। अरे मां बिना रेजिलियंस के टिकाउ, बीस्ट बड़े खतरनाक बीस्ट है। बियर हग, हग कर रहा हूँ मैं लेसनर को, हग दिया मैंने। अरे सर यही चाहिए था रेजिलियंसी यूज करना, कहीं ऐसे बिना फिनिशर के रेजिलियंस यूज होता है तो कितना अच्छा लगता है। थियरी बड़े बड़े बच्चों के बीच में मत आकर अपने औकात वालों के साथ लड़कर स्पीयर बटिस्टा को। रोमन ने गाइस, रोमन और बटिस्टा का एक्चुअली बहुत बार ये हुआ है, मतलब बोलते हैं ना यार शील्ड और रिवॉल्यूशन के बीच जब मैच हुआ था तो हुआ था। ट्राइबल चीफ और एनिमल का होता तो अलग ही मजा आता। ब्रॉक लेसनर ने मुझे गोदी में पकड़ लिया बीच में, रोमन सीधा स्पीयर के लिए जा रहे और बटिस्टा का टाटा होने वाला है अगर बटिस्टा ने रिवर्स नहीं किया। बटिस्टा गाइस एलिमिनेट, और वहां पे थियरी बच गया पर बटिस्टा नहीं बच पाएंगे। और मुझे यार मैं इनको देख रहा था गाइस, मैं इनको देख रहा था यार, ब्रॉक ने कांड कर दिया मेरा रेजिलेंस, मुझे छोड़ दिया, मत जा रेजिलेंस ब्रॉक, बच जाऊंगा बच जाऊंगा बच जाऊंगा। मां कसम मैं उनको देखने में बिजी था, बटिस्टा और सोलो को मैं देखा ही नहीं कि ब्रॉक इधर मेरे को मार रहे। अरे रिवर्सल मनुष्य कब आएगा यार, अब तो गया गाइस रेजिलेंस। ब्रॉक ने पूरा कूट दिया मेरे को, मैंने ब्रॉक को एक फिनिशर मारा, ब्रॉक ने तो मेरी जिंदगी निकल दी जिंदगी से। ब्रॉक के पास फिनिशर तो है नहीं, पर पूरा मेरा बोलते ना यार काम तमाम कर दिया ब्रॉक ने। ब्रॉक आपको तो एक और फिनिशर बनता ही, आपने जो किया है ना मेरे साथ, जिंदगी से विश्वास ही निकल गया ब्रॉक लेसनर ने मेरे को। अरे ब्रॉक के पास तो रेजिलेंस ही नहीं थी, ब्रॉक ने कैसे किक आउट किया गाइस, अगर जीतना है ना अभी। अरे बच्चे बाप से पंगा करेगा, ब्रॉक जरा बचा ना। हाँ बड़ों के बीच छोटे बच्चों को नहीं आना चाहिए, मैं बोलता हूँ बार बार अपने औकात वाले से लड़ा करो। थियरी तू कहाँ ब्रॉक से लड़ रहा है, तेरे को भूल गया, यही चेंबर का अरीना था, यही वो था रियाद सऊदी अरेबिया का, जब तेरे को ब्रॉक ने चेंबर को ऊपर से एफ आई देता तुम भी शर्म नहीं आता तेरे को। मुझे ब्रॉक ने उठा तो दिया, थैंक यू ब्रॉक आपने मेरे को उठाया। रोमन भी एलिमिनेट, तो रोमन का हेल्थ बहुत ज़्यादा है यार गाइस, एक बार रोमन का हेल्थ देखो बहुत ज़्यादा है, पूरा भरा हुआ है वो ग्रीन मीटर। और उसके बाद रेजिलेंसी भी, हालांकि सोलो ने इतना मारा तो भी ब्रॉक का हेल्थ यार, ब्रॉक ने सॉरी, ओ नाइस सोलो सिकोवा बिना फिनिशर के एलिमिनेट हुए। ब्रॉक कांड मत करो, रोमन को फिनिशर पड़ रहा है। अरे ब्रॉक मेरे पीछे पड़ रहा है यार, ब्रॉक के ऊपर चेंबर का तोड़ दिया, ब्रॉक को दिल में ले लिए। ब्रॉक वो चेंबर आपके पप्पा का है क्या, आप इतना ज़्यादा मेरे पीछे पड़े क्यों हो। देखो गाइस मुंह घिस रहे मेरा ब्रॉक, मेरे को 50 FPS आ रहा है पता नहीं क्यों, अपने को 60 चाहिए यार गाइस। मेरा पिनफॉल कभी भी हो सकता है, मैं आपको बता दूं बिना फिनिशर के पिनफॉल हो सकता है। लगता है ब्रॉक फिनिशर के लिए जाएंगे, मुझे रिंग के अंदर नहीं जाना था, ब्रॉक जबरदस्ती का रिंग के अंदर, भाई इस आदमी से बचा लो यार, ब्रॉक से कोई बचाओ। नंबर 6 पे ब्रॉक बाहर आए थे, हाँ बहुत बढ़िया ब्रॉक। अरे एक धक्का दिया रोमन को, रोमन गिर गया नीचे, रोमन जरा सिग्नेचर मार जरा ब्रॉक लेसनर को, मेरा दिमाग में अलग दिक्कत दिया है। 8 टाउन डाउन दिया है क्या इसने, नहीं क्या दिया इसने पता नहीं, मेरे को थियरी के मूव इतना पता नहीं है, जो भी दिया है अच्छी बात है। ओ भाई रोमन को एलिमिनेट कर दिया थियरी ने, अरे 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 अबे कुछ भी
ये क्या था? अरे मेरे को बचाओ यार, तुम लोग लड़ो। गाइस थ्योरी का मानना पड़ेगा यार, नंबर टू पे आया, रोमन को एलिमिनेट करके जा रहा है, बटिस्टा को एलिमिनेट किया, नहीं बटिस्टा को रोमन ने किया ना, और कौन था मैं तो भूल भी गया, और कोई तो कौन था यार, रुको बटिस्टा रोमन ब्रॉक, अच्छा हाँ बराबर बराबर, रुको बटिस्टा रोमन ब्रॉक सीना थ्योरी, एक और कोई तो था यार, पता नहीं कौन था। ओ भाई साहब ऑस्टिन थ्योरी नंबर वन, थ्योरी के पास लोबलो भी है, थ्योरी के पास गाइस लोबलो है, मैं पहली बार देख रहा हूँ एक बच्चे ने ब्रॉक और रोमन को एलिमिनेट कर दिया और मैंने एक बहुत ही घटिया ग्रैपल किया। गाइस थ्योरी के पास लोबलो है, सिग्नेचर आने वाला है, पूरा एकदम प्लानिंग करके आया थ्योरी ये मैच जीतने को, नंबर टू पे आया था बच्चा, सबसे कम ओवरऑल मैं कहूँगा इस मैच का। यार एक और कौन आया था मैं भूल गया, कोई तो आया था मेरे को याद नहीं है कौन आया था, सेट आया था क्या, रुको यहाँ पे अरे यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा, पता नहीं गाइस कौन आया था, छह सुपरस्टार कौन कौन थे मुझे खुद को याद नहीं है, सोलो, हाँ मैं सोलो को भूल गया था, सोलो सोलो भाई थियरी के पास लोबलो आ चुका है और थियरी मनहूल, अरे किकआउट कर ले, मैं टैप आउट नहीं करूंगा, मैं चैनल डिलीट कर दूंगा पर सीना से टैप आउट नहीं कराऊंगा, मैं सीना का डाई हार्ट फैन हूँ, मैं सीना से टैप आउट तो नहीं करूंगा, चाहे मुझे हरा दे पिनफॉल से टैप आउट तो नहीं करने वाला। पता है गाइस मैं मैच क्यों हारा, अगर मैं चेंबर नहीं तोड़ता ना तो ब्रॉक लेसनर मुझे छोड़ देते, ब्रॉक को एक्चुअली बहुत गुस्सा आ गया। इसके बाद फिर से लोबलो आ चुका है, मेरी फट रही है अभी बहुत गंदी वाली, यू कैन सी मी थियरी, अरे ये क्या था यार, नहीं 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 नहीं, फिनिशर फिनिशर अरे फिनिशर फिनिशर फिनिशर, अरे मनुष फिनिशर आना गाइस, फिनिशर तो आ चुका है, रिवर्स मत करना प्लीज, अरे हाँ ए You can't see me फिर से। Attitude adjustment। सीना जल्दी जल्दी टाइम पास करने का टाइम नहीं आया। इसको तो मैं और गंदा हराऊंगा। इसको मैं टैप आउट कराऊंगा। ये ले बच्चे। अरे ये कैसे रिवर्स किया इसने? स्टंट था ना ये? मैं over excitement। गाइस अभी हार गया मैं। सीधा सीधी पिनफॉल करना चाहिए था। मैं इसको टैप आउट कराना गया था। नहीं 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 लो ब्लो विब्लो कुछ मत मारना, बच गया मैं फिर से, बच गया मैं, क्या ही मैच चालू है यार, ये इतना टफ कब से देने लग गया। अरे सर आपका सिग्नेचर क्या है, एसटीएफ दो ना सर, चल बच्चे जो मैंने वादा किया था गाइस टैप आउट ही कराऊंगा इसको तो मैं, बाप से पंगा करना है आज का बच्चा, सेल्फी लिया अभी घर पे जाके, देख रहे हो इसका मैच हुआ, मुझे एक सेकंड पे लगा कि मैंने हग लिया जब मैंने ए मारा ना, मेरा इच्छा था कि मैं इसको टैप आउट कराऊं, इसलिए मैं बेरक मारने का, पता नहीं इसने कैसे रिवर्स किया इस भाई, इसका स्टंटमेंट राउंड था, पता नहीं इसने रिवर्स कैसे किया, पर एसटीएफ से मैं जीता हूं लास्ट पे, दो सिग्नेचर रिवर्स किया, अगर वो दो सिग्नेचर में एक भी पड़ता है ना सिग्नेचर तो मैं घर पे जाता, और थियरी ने लोबलो ट्राई नहीं किया वरना तो भाई खत्म था मैं। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एलिमिनेशन चेंबर का मैच अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, मैं आपको नहीं कहूँगा बार बार, चलो अपना ध्यान रखना, गुड बाय।